आज से दो दिन बाद केतु देव कर रहे हैं कन्या राशि में प्रवेश। छाया ग्रह केतु के बुध प्रदान कन्या राशि में प्रवेश करते ही क्या पड़ेगा प्रभाव? मोक्ष और आध्यात्म के कारक केतु महाराज किसे दिलाएंगे सुखों का ताज और किसे कर रहे हैं सावधान, जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह समय समय पर एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। शनि देव के बाद राहु और केतु को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वही माना जाता है कि शनि देव जहां ढाई वर्ष में एक राशि में भ्रमण करते हैं, वहीं राहु और केतु भी लगभग डेढ़ वर्ष तक एक राशि में भ्रमण करते हैं और अपना फल लंबे समय तक जातक को प्रदान करते रहते हैं। 30 अक्टूबर की तारीख को ज्योतिष विद्वान इस बार बहुत ही खास मान रहे हैं, क्योंकि मोक्ष, आध्यात्म और आकस्मिक घटनाओं के प्रतीक केतु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या कन्या राशि के जातक के जीवन में आकस्मिक घटनाएं बढ़ जाएंगी या फिर धार्मिक अनुष्ठानों में इनकी रुचि बढ़ जाएगी? क्या होगा कन्या राशि के साथ, इसके अलावा क्या होगा बाकी 12 राशियों का हाल? चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की पहली राशि से। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में रोग, रिपु और ऋण का विचार किया जाता है। इस गोचर के कारण संतान पक्ष से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी। आर्थिक समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको आ सकता है। नया काम शुरू करने के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। कोई शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन सावधान रहें क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, केतु का गोचर पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव से संतान, बुद्धि और प्रेम का विचार किया जाता है। केतु का गोचर आपके रिश्तों के मामले में सावधान रहने की आपको सलाह दे रहा है। तनाव और गलतफहमी बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर छात्र हैं तो उच्च शिक्षा में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी हैं तो निवेश के लिए चिंता रहेगी। संतान पक्ष के साथ मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, केतु का गोचर अब चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव मन, माँ और सुख का भाव है। वही केतु का गोचर पारिवारिक तनाव ला रहा है। किसी काम के सिलसिले में आप परिवार से दूर जा सकते हैं। आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर आपका रह सकता है। माँ की सेहत को लेकर आपकी चिंता बनी रहेगी। पत्नी के साथ किसी वाद विवाद में ना पड़े। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव माना गया है। दो दिन बाद आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी। बुद्धिमानी और कार्यकुशलता से आप आगे बढ़ेंगे। व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार में भी अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है। भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। वाणी अपनी हमेशा मधुर बनाए रखें। मीडिया से जुड़े जातकों के लिए प्रसिद्धि पाने के योग बन रहे हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव वाणी, परिवार और संचित धन का ज्ञान देता है। ये गोचर आपकी नौकरी में बदलाव के साथ ही नई नौकरी का प्रस्ताव भी ला रहा है। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सफल जरूर होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि, केतु का गोचर आपके प्रथम भाव में रहेगा। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और सम्मान का विचार करता है। ये गोचर आपके लिए आत्मविश्वास की वृद्धि ला रहा है। धन की वृद्धि होने वाली है। प्रेम संबंधों में तनाव आने की गुंजाइश है। पिता और गुरु आपके जीवन में सहायक सिद्ध होंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए केतु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव खर्च और विदेश यात्रा का भाव होता है। इस गोचर में अप्रत्याशित खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे। सावधानी से वाहन चलाएं, वहीं हृदय से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। लेखक, ज्योतिष और तंत्र मंत्र से जुड़े जातकों के लिए केतु अच्छी सफलता ला रहा है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, केतु का गोचर एकादश भाव यानी लाभ स्थान में आपके हो रहा है। ये गोचर आपकी हर मनोकामना को पूरी करने वाला है।
आपको व्यापार में मुनाफा होगा, बाहरी लोगों से संबंध अच्छे होंगे और यात्राओं से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट के काम से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। अगली राशि है धनुराशि। धनुराशि वालों, केतु का गोचर दशम स्थान पर आपके होगा। इस भाव को आपके करियर का भाव कहा गया है। इस गोचर से आपको वर्क प्लेस पर बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आपके सीनियर्स बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। राजनीति से अगर जुड़े हैं तो अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में केतु का ये गोचर दिक्कत कर सकता है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, केतु का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और साधु संतों की संगति आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगी। भाग्य का साथ आपको रहेगा। परिवार और समाज में अच्छा मान सम्मान आपको मिलेगा। भाई बहनों के बीच अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, केतु का गोचर अष्टम भाव से होगा। अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव होता है। वहीं वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति है। पत्नी के साथ आपका झगड़ा बढ़ सकता है। व्यर्थ की यात्राओं से मन खिन्न रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका समय बर्बाद होगा। आपकी वाणी की कटुता आपके जीवन में तनाव पैदा कर सकती है। माँ की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। आज की सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, केतु का गोचर आपके सप्तम भाव पर होगा। सप्तम भाव जीवन साथी और व्यापार का भाव है। ये गोचर जीवन साथी के साथ तनाव ला रहा है। व्यापारी है तो अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। मित्र और आपके भाइयों से धन की प्राप्ति आपको होगी। मीडिया से जुड़े हैं तो केतु का ये गोचर आपको प्रसिद्धि होने का अवसर देगा। तो दोस्तों, क्या है राशि आपकी, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। केतु का ये गोचर आपके लिए शुभता लाए, इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।